पांच सूत्री मांगों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोका ट्रेन। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बबलू भगत के नेतृत्व में सोमवार को पांच सूत्री मांगों के समर्थन में सुबह 10 बजे से पूर्णिया जंक्शन पर पूर्णिया सहरसा पैसेंजर ट्रेन को करीब आधा घंटा रोककर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बाद में पूर्णिया पुलिस एवं रेल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को जाने दिया। पांच सूत्री मांगों में MSP कानून लागू करना, खाद बीज की किल्लत दूर करना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव पद का स्थायीकरण व नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मुकम्मल सुरक्षा प्रदान करना था। आप लोगों ने रेल चक्का जाम किया। आज पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर, निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय के सभी स्टेशनों पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रेल चक्का जाम का आयोजन किया गया है। जो मुख्य मांग है विशेष राज्य का दर्जा, किसानों को खाद बीज की व्यवस्था और जनप्रतिनिधि जो पंचायत में जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको सरकारी और सुरक्षा मिलना चाहिए और वार्ड सचिवों को परमानेंट किया जाए और बढ़ते बिहार में अपराध, लगातार बिहार में अपराध चरम पर है, लगातार हत्याएं हो रही है और बिहार की सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आंख मिचौली खेल रही है। जिस तरह किसान आत्महत्या करने की मजबूर हो चुका है, खाद नहीं मिल पा रहा है, वार्ड सचिव पर लाठियां बरसाया गया, आज जीते हुए जनप्रतिनिधि मुखिया पर गोलियां की बौछार होती है, उनकी हत्या होती है। ये सरकार, निरंकुश सरकार, आज जिस तरह से मुखियाओं की मौत, जनप्रतिनिधियों की हत्याएं के कारण आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में रेल चक्का जाम का आयोजन किया गया है। आज इसी के उपलक्ष्य में पूर्णिया जंक्शन पर जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता रेल चक्का जाम करने का काम किया। राजेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।